স্বাভাবিক জীবনযাত্রার আওতায় ওরা নেই, কেননা স্বাভাবিক নয় ওদের চেহারা, ওদের মুখাবয়ব। জন্মের পর থেকেই ওদের সঙ্গে রয়েছে ক্লেফট লিপ বা ক্লেফট প্যালেটের সমস্যা। সীমান্ত পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলি থেকে আসা এই সমস্ত ক্লেফট লিপ বা ক্লেফট প্যালেটে আক্রান্ত রোগীদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দিচ্ছে বিএসএফ ও কলকাতা রোটারি ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত দর্পণ প্রকল্প। तो बहुत ही मतलब मानवता के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बॉर्डर के दूर दराज के लोगों में जो क्लेफ्ट जिनका लिप होता है, क्लेफ्ट पैलेट होता है, उनको पहचान करना, उनको यहाँ तक ले आना और हमारे जो पार्टनर है इसमें जो रोटरी क्लब वाले हैं उनके साथ जोड़ करके इनका ऑपरेशन करवाना, उसमें उनका कोई खर्चा नहीं आता है। बॉर्डर पर चिन्हित करना और यहाँ तक लाना हमारा काम है। यहाँ पर उसका ऑपरेशन करके रखकर ये वापस पहुंचाने का काम हमारा है। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब ह्यूमैनिटेरियन एक्ट है। और जो बच्चा अगर मतलब क्लेफ्ट लिप होता तो आजीवन को मतलब कुरूप रहता, अगली होता, खाने पीने में दिक्कत होती, उसे उसको रिलीफ मिल जाता है। बेसिकली ये ह्यूमैनिटेरियन एक्ट है, बहुत अच्छा काम है। बॉर्डर में बेसिकली चूँकि फेंस नहीं होती है और वहाँ पर लाइट नहीं है, डिफिकल्ट टेरेन है, नन्ही नाले हैं, तो बहुत बॉर्डर गार्ड करना बहुत मुश्किल का काम है। हमारे जवान हमेशा मुस्तैद रहकर अपना काम कर रहे हैं, उन्हें कोई कमी नहीं है।